नमस्कार, मैं रमोज सिंह। एमपी में कांग्रेस इस दिन घोषित करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। एमपी में भाजपा द्वारा 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी किए जाने के बाद कांग्रेस भी बहुत अधिक सक्रिय हो गई है। सभी को इंतजार है कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची कब जारी करेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह घोषणा कर दी है कि इस दिन जारी करेगी कांग्रेस पहली सूची। वह दिन जानने के पहले कांग्रेस की पहली सूची जारी होने में सिंधिया का डर समाया हुआ है। कांग्रेस को पता चला है कि अभी भी उनकी पार्टी में कुछ सिंधिया समर्थक नेता हैं। यह जानने के बाद कांग्रेस काफी सतर्क हो गई है कि सिंधिया के समर्थकों को किसी भी सूरत में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा कारण, कांग्रेस की सूची जारी न होने का यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बात पर भी नजर रखे हुए है कि सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए कितने विधायकों का टिकट बीजेपी काटती है और उनकी घर वापसी से कांग्रेस को कितना लाभ हो सकता है। जैसे भिंड के गोहद विधानसभा से सिंधिया के साथ भाजपा में गए रणवीर जाटव का टिकट काटकर भाजपा ने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को टिकट दे दिया है। रणवीर जाटव कांग्रेस में वापसी करते हैं तो वह कितने विश्वसनीय होंगे, क्या उन्हें टिकट देना उचित होगा। ऐसे कई मामलों पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का दिल्ली में मंथन जारी है। वैसे विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने टिकटों की सूची को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस सितंबर माह में उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित करेगी।